जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जुलाई और 27 जुलाई 2022 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक क्षेत्र के बारे में, शिक्षा स्वास्थ्य करियर नौकरी दुकान हर चीज के बारे में। और जो इन दिनों में शुभ तिथि शुभ नक्षत्र होने वाले हैं, शुभ पर्व होने वाले हैं, उनका भी किस तरह से प्रभाव होगा, किस तरह से उनका लाभ आप उठा सकते हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। पहले 26 जुलाई का दिन मंगलवार का दिन है। ये सावन मास का दूसरा मंगलवार है जो कि मंगला गौरी व्रत के लिए माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही इस दिन और भी शुभ पर्व शुभ तिथि है, क्योंकि ये है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी और ये सावन मास की शिवरात्रि है जिसका विशेष रूप से बहुत महत्व होता है। आद्र नक्षत्र रहेगा इस दिन, व्याघात नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, सूर्य कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। अब 27 जुलाई तो ये बुधवार है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक हर्षण नाम का योग बनेगा, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और सूर्य जो है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में। इसके अलावा इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो कोई नहीं है, लेकिन योग बहुत अच्छे हैं। अब इस ये जो ग्रह हैं, ये जो नक्षत्र हैं, इनका प्रभाव किस तरह से होगा चलिए जानते हैं। पहले हम बात करेंगे 26 जुलाई के बारे में। और देखिए ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब 26 जुलाई वैसे तो मंगला गौरी व्रत है दूसरा, जो विशेष रूप से मां पार्वती को समर्पित होता है, लेकिन ये सावन मास की शिवरात्रि है, मंगलवार के दिन शिव गौरी मंगलकारी योग बन रहा है। इस शिवरात्रि पर ना सिर्फ भगवान शिव का जलाभिषेक होगा बल्कि मंगला गौरी का व्रत भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा योग है कि भगवान शिव के साथ मां पार्वती की आराधना करने का भी ये वक्त है। सालों बाद ऐसा संयोग बना है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये दिन रह गया है। अब इस दिन देखिए जो शिव जो कांवड़िया होते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं, उनके लिए ये जो दिन है ना शिवरात्रि का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। अब ये जो जलाभिषेक है 26 और 27 दोनों ही दिन किया जाएगा। शिवरात्रि में चार पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस चार पहर की पूजा करने में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक का, और इस बार जलाभिषेक में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। तो इस दिन आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें, भगवान शिव का आशीर्वाद लें, आपकी हर एक इच्छा इस दिन पूरी हो सकती है। और हो सके तो पीले रंग या सफेद रंग वस्त्र धारण करें, साथ में भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं वो जरूर शामिल करें इस दिन। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को शिव पुराण या शिवाष्टक का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो बहुत उत्तम दिन है, इस दिन का पूर्ण लाभ आप जरूर उठाएं। जहां तक राशिफल का सवाल है कि आपकी दिन आपका कैसा रहेगा, तो आज आपके पास बड़ा थोड़ा ऐसा खाली समय भी होगा जिसका आप आनंद ले सकेंगे। मन बहुत धार्मिक होगा, धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और किसी अज्ञात स्रोत से पैसा भी प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी कई तरह की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका स्वभाव बड़ा मजाकिया है और ये आपकी मेलजोल के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा है, आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका जो दिन है वो काफी अच्छा रहेगा। अपने वरिष्ठों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जो आपके बड़े हैं, अगर आपसे कोई राय पूछी जाए तो उसमें संकोच ना करें, अपनी राय को जाहिर करें। आपका जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, पारिवारिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो आज उसके वापस मिलने के लिए बहुत उचित अवसर बने हैं।
आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहेंगे, किसी तरह के धर्म कर्म के कामों में आज आप रह सकते हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपके पुराने मतभेद दूर होंगे और पुनः मधुरता आ जाएगी। कुछ मामलों में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर डगमगा सकता है, लेकिन आप उन स्थितियों को भी संभाल लेंगे। ये आज का जो योग, आज की जो ये संयोग है, ये इतने उत्तम है। चंद्रमा की स्थिति जो है वो आपके लिए बेहद अच्छी है। करियर में अच्छा नाम कमाने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है और ऐसी पॉजिटिविटी के लिए आप किसी भी तरह की कलर का आज वस्त्र पहन सकते हैं। और अगर चुनना ही है तो ऑफ व्हाइट आप चुन सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर 2 बजे के आसपास आपका कोई ऐसा काम बनेगा जो आपको लाभ जबरदस्त देकर जाएगा। आप कई क्षेत्रों में बहुत कुछ पा सकते हैं। जिस चीज में आप कोशिश करेंगे वहां आपको महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे होंगे, आपके इच्छा के अनुसार आपके काम बनेंगे। साझेदारी से काम है आपका तो वहां भी आपको फायदे का योग बना हुआ है। साझेदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है, साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। लंबी आपके सामने अच्छी अवधि के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। आपके व्यापार में अकेले चलने के लिए कई बेहतर समय है, आपको बेहद अच्छे योग बन रहे हैं। अब बारी है हमारी 27 जुलाई की। 27 जुलाई के दिन आपका कैसा रहेगा? नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी उपलब्धियों के लिए कुछ एक ऐसे उचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी दूसरों को आप सलाह दे सकते हैं। आपकी वृद्धि से आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आपकी छवि भी सुधरेगी, निखरेगी। आपके वरिष्ठ, आपके सहकर्मी, उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा स्थापित होगा। कोई पुराना दिया गया कर्ज भी आपको वापस मिल सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा है। कार्य संबंधी यात्रा हो सकती है जो फलदायी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए दोनों ही दिन उत्तम है। और मंगलवार का जो 26 जुलाई का दिन है वो तो काफी अच्छा है प्रेम विवाह करने के लिए। इस दिन आप मंगला गौरी का व्रत करें, साथ में भगवान शिव की आराधना करें तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बाकी प्रेम जीवन अच्छा बना हुआ है। जो नव विवाहित जोड़े हैं उनके लिए ये समय बेहद अच्छा है। दोनों जोड़े के साथ भगवान शिव मां पार्वती की आराधना करें। जिस चीज की इच्छा है आपको, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। उनकी कृपा से आपकी जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतरीन रहेंगी। ये जो समय है ना, ये जो अभी योग चल रहे हैं, दोनों ही दिन शिवरात्रि के हैं और दोनों ही दिनों में आप अपनी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। बस भगवान शिव के प्रति समर्पित रहें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। तो दोस्तों, 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, भगवान शिव की आराधना भी करें, अपनी इच्छा पूर्ति करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।